हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने यूट्यूब चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्यूष पर एक्सप्लेन करूंगा सुपर हीटर टेम्परेचर कंट्रोल लूप। जो बॉयलर में मेन स्टीम का टेम्परेचर हम कंट्रोल करते हैं, ऑटो में जब हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं तो ये एक ऑटो कंट्रोल लूप होता है जिसमें हम सुपर हीटर का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 600 मेगावाट यूनिट के लिए मैंने यहाँ पर ये लाइन डायग्राम बनाया है कि हमारा सुपर हीटर में कहाँ पर टेम्परेचर का लोकेशन होता है और हम किस वाटर को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, LTSH आउटलेट से जो स्टीम आता है वो हमारा DSH लिंक में आता है, जहां पर स्प्रे होता है उसको, जहां पर स्प्रे के नंबर ऑफ नोजल्स होते हैं और जिस पॉइंट पर स्प्रे होता है इसको DSH लिंक बोलते हैं। और ये लाइन जो है ये HP हीटर के आउटलेट से एक टेपिंग होता है, यहाँ पर मोटराइज वॉल्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर में और ये स्प्रे कंट्रोल वॉल्व रहेगा। तो मैंने ये एक साइड का, लेफ्ट साइड का अरेंजमेंट या राइट साइड का, जो भी आपको कंसीडर करना है वो यहाँ पर मैं फंडामेंटल यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आपको यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जब मैं ऑटो कंट्रोल लूप यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि DSH का क्या है, किस पॉइंट पर स्प्रे हो रहा है, DSH आउटलेट टेम्परेचर क्या है, डिविजनल सुपर हीटर, फाइनल सुपर हीटर और फाइनल सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये DSH लिंक पर यहाँ पर स्प्रे हुआ, देन हमारा ये DSH आउटलेट पर टेम्परेचर 374 डिग्री है, देन ये एंटर किया डिविजनल सुपर हीटर इनलेट में। डिविजनल सुपर हीटर का जो आउटलेट है वो प्लेटन सुपर हीटर इनलेट में एंटर किया, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइल रहेंगी जो प्लेटन सुपर हीटर से हमारे फाइनल सुपर हीटर आउटलेट को कनेक्ट किए रहेंगी। तो यहाँ पर इसका अगेन हीटिंग होगा और यहाँ पर हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर हमको 538 मिलेगा जब हमारा DSH आउटलेट पर टेम्परेचर 374 है। तो चलिए अभी मैं ऑटो कंट्रोल लूप आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारा स्प्रे का कंट्रोल वॉल्व ऑटो में रहेगा तो उसका सेट पॉइंट क्या होगा और किस तरीके से वो सेट पॉइंट हमारे कंट्रोल वॉल्व तक यहाँ पर पहुंचेगा, कंट्रोल वॉल्व कैसे काम करता है। तो यहाँ देखिए आप, ये फाइनल सुपर हीटर आउटलेट के तीन टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, 1, 2 और 3। सपोज इनमें रीडिंग जो है वो 539, 538, 538 है, तो यहाँ पर ये सिलेक्टर रहता है, आप यहाँ पर क्लिक करके और किसी भी एक के ट्रांसमीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इसका मीन वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिलेक्शन होगा उसी का आउटपुट यहाँ पर होगा। सपोज ये ट्रांसमीटर 2 या 3 सिलेक्ट है तो 538 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक्चुअल टेम्परेचर है मेन स्टीम लाइन का। यहाँ पर देखेंगे आप DSH आउटलेट का जो टेम्परेचर है 373, 377, 374, ये तीन टेम्परेचर एलिमेंट यहाँ पर होंगे। इसका सिलेक्शन हमने 374, इनमें से किसी एक को सिलेक्शन दिया हुआ है तो ये 374 है। तो हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर कंट्रोल को ऑटो में रखते हैं तो हमारा फाइनल सुपर हीटर आउटलेट का जो टेम्परेचर हमको जितना डिजायर्ड है 538 या 540 उसको हम सेट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर देखें आप, ये सुपर हीटर टेम्परेचर सेट पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 539, यहाँ पर अभी सेट पॉइंट 539 दिया है और MS फ्लो 1709 टन पर आवर चल रहा है। ये दोनों मिनिमम ब्लॉक में यहाँ पर एंटर करता है और जो भी मिनिमम होगा उसको आउटपुट बना देगा। तो ये 539 सुपर हीटर टेम्परेचर यहाँ पर 539 का सेट पॉइंट हो गया। अब ये सेट पॉइंट आएगा आपका इस PID कंट्रोलर के लिए। ये PID कंट्रोलर क्या करता है, जो सेट पॉइंट है उसको एक्चुअल वैल्यू से यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद इसमें क्या डेविएशन है, 539 माइनस 538 तो 1 डिग्री का यहाँ पर डेविएशन है। इट मींस दैट कि हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर है फाइनल सुपर हीटर का वो 1 डिग्री कम है। तो अल्टीमेट हमारा जो स्प्रे का वॉल्व है उसको क्या करेगा, उसको थोड़ा सा क्लोज करेगा जिससे फाइनल सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये होता कैसे है, 1 डिग्री का जो टेम्परेचर यहाँ पर वेरिएशन है उसके लिए ये PID कंट्रोलर एक आउटपुट जनरेट करेगा कि हमारा जो DSH आउटलेट का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो हमको ये 1 डिग्री का डेविएशन जो है वो करेक्शन हो जाएगा और टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर फाइनल सुपर हीटर का 539 डिग्री आ जाएगा। सपोज ये 374.7 ये वैल्यू यहाँ पर जनरेट किया, जो चल रहा था यहाँ पर 374 था, यहाँ पर 374.7 इसने आउटपुट जनरेट किया। इस आउटपुट में समेशन क्या क्या होगा, जो कोल का फ्लो है, बॉयलर ड्रम प्रेशर, हमारा टोटल एयर का फ्लो, यहाँ पर बर्नर टिल्ट का पोजीशन, तो इनसे भी करेक्शन आएगा। इनसे करेक्शन क्यों आएगा, क्योंकि सपोज अगर हमने कोल फ्लो को अचानक इंक्रीज कर दिया तो उसका भी हमारा इस पर इसको अफेक्टेड करेगा, इस टेम्परेचर को अफेक्टेड करेगा, तो उससे करेक्शन निकल के आएगा
और ड्रम प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सपोज अगर इंक्रीज कर रहा है इट मींस दैट कि मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर हीट एडिशन हुआ है जो कि टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर समेशन ब्लॉक इसमें समवॉट वैल्यू को एड कर देगा कि आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 374.9 रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर इन सबसे जो करेक्शन आया उसमें 0.2 का करेक्शन हुआ तो 374.9, तो ये नया जो वर्किंग सेट पॉइंट बन गया 374.9, ये हमारा आएगा फाइनल पीआईडी कंट्रोलर को। ये प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव, ये तीन फंक्शन होते हैं इसके, तीन में से कोई एट अ टाइम वन फंक्शन ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये फाइनल जो पीआईडी कंट्रोलर है जो कि हमारे कंट्रोल वॉल्व को कंट्रोल कर रहा है, इसका एक्चुअल जो चल रहा है प्रोसेस वैल्यू यहाँ पर 374 चल रहा है, जो 374 का प्रोसेस वैल्यू यहाँ पर एंटर करेगा और यहाँ पर जो हमारा नया सेट पॉइंट है जो कि इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा एमएस टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये 374.9 आ रहा है। तो यहाँ पर इस एक्चुअल में प्रोसेस वैल्यू में और सेट पॉइंट में इस पीआईडी कंट्रोलर के लिए ये सेट पॉइंट हो गया और ये हमारा प्रोसेस वैल्यू हो गया, इसमें डेविएशन कितना है 0.9 का, मींस हमारा एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री सेट पॉइंट से कम है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्व को कंट्रोल वॉल्व को समवॉट क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट हमारा क्या होगा, क्लोज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और जो अभी 374 था उसको 374.9 तक इंक्रीज करेगा। जब ये 374.9 तक इंक्रीज होगा तो हमारा फाइनल स्टीम का जो टेम्परेचर 538 अभी यहाँ पर आ रहा था, ये इंक्रीज होकर 539 हो जाएगा, 539 हो जाएगा, मतलब हमारा जो सेट पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हमने सेट पॉइंट यहाँ पर सुपर हीटर का टेम्परेचर कंट्रोल का जो सेट पॉइंट दिया है वो डायरेक्ट इस कंट्रोल वॉल्व को, कंट्रोल वॉल्व डायरेक्ट उस सेट पॉइंट से ना ऑपरेट हो गए, इनडायरेक्टली हमारा डैश का जो आउटलेट टेम्परेचर है उससे कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर हम इस सेट पॉइंट को, ये सेट पॉइंट और जहां पर हमारा स्प्रे हो रहा है इसके बीच का डिस्टेंस इतना है कि यहाँ पर टेम्परेचर गेन होता है, अगर हम इस टेम्परेचर को सेट पॉइंट बनाएंगे और ये डायरेक्ट अगर इस पीआईडी कंट्रोलर में आएगा तो इस वॉल्व के लिए जो स्प्रे कंट्रोल वॉल्व है उसमें हमेशा आपको हंटिंग देखने को मिलेगा, कभी ये टेम्परेचर को अप करेगा कभी टेम्परेचर को डाउन करेगा, और इसके नियर बाय जो टेम्परेचर है इसको हमने इनडायरेक्टली सेट पॉइंट बनाया इस फाइनल पीआईडी कंट्रोलर में, ये गया इसके इस, जब ये टेम्परेचर हमारा किस लिमिट में कंट्रोल होगा तो हमको ये कितना मिलेगा फाइनल सुपर हीटर आउटलेट का टेम्परेचर। तो मैंने ये आपको ऑटो कंट्रोल लूप एक्सप्लेन किया, सुपर हीटर टेम्परेचर कंट्रोल लूप जो होता है ये कैसे वर्क करता है। अगर आप बॉयलर डेस्क इंजीनियर या टर्बाइन डेस्क इंजीनियर हैं या ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं तो आपको इस कंट्रोल लूप का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, और आप देखेंगे कि अगर ये टेम्परेचर डेस्क के आउटलेट टेम्परेचर इनमें से अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये डायरेक्टली अफेक्टेड करेंगे आपके पीआईडी कंट्रोलर को, हो सकता है आपका जो लूप हो ट्रिप टू मैनुअल हो जाए, या फिर अगर ये टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है तो फाइनल सुपर हीटर का टेम्परेचर जो वो ऑटो में कंट्रोल नहीं होगा, तो उस समय आपको मैनुअल कंट्रोल करना पड़ सकता है, और मैनुअल कंट्रोल करते समय भी आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको फाइनल सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर के साथ साथ जो डेस्क का आउटलेट टेम्परेचर है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है। अगर ये टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है तो कुछ टाइम बाद आपका ये फाइनल सुपर हीटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो आपको इसके रेट पर ध्यान देना है, इसके वैल्यू पर ध्यान देना है और आपको फाइनल सुपर हीटर का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो आज मैंने आपके लिए सुपर हीटर टेम्परेचर कंट्रोल लूप एक्सप्लेन किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।